बेटियों की सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाने की मांग को लेकर पिछले 8 दिनों से दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल अनशन कर रही है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे समता स्थल पर बड़ी तादाद में महिलाएं पहुंचकर अपना समर्थन दे रही हैं। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं भी स्कूल से छुट्टी लेकर स्वाति मालीवाल के इस संघर्ष में अपना योगदान दे रही हैं। हर किसी की सुबह पर एक ही मांग है कि रेपिस्ट के खिलाफ सुनवाई कर 6 महीने फांसी देने वाला कानून बने ताकि एक मिसाल कायम हो। इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज भी स्वाति मालीवाल से मिलने पहुंचे। सुनिए सौरभ भारद्वाज ने इस कानून के महत्व के बारे में क्या क्या बताया। दिल से धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा कि आप सब लोग अपना समय निकाल के यहाँ पे आए हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही मुश्किल काम होता है किसी भी महिला के लिए, खास तौर पे, क्योंकि कोई जो आदमी होता है उसके लिए तो फिर भी आसान होता है क्योंकि वो सुबह ऑफिस जाने के समय पे घर से आ सकते हैं और शाम तक वापस लौट सकते हैं, मगर एक महिला के लिए ये किसी धरने पे आना, किसी अनशन पे आना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि उनके ऊपर बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है। सबके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको सुबह स्कूल भेजने का काम होता है, फिर दोपहर में स्कूल से बच्चे आते हैं तो बच्चों को सबसे पहले ज़रूरत होती है माँ की ज़रूरत होती है। ये सारी की सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए आप सब लोग यहाँ पे इतना समय दे रहे हैं, मैं दिल से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि एक एक महिला, एक एक पुरुष, एक एक नवयुवक जो यहाँ पे आ रहा है उनसे ऊर्जा मिल रही है स्वाति जी को, और आप लोगों की ऊर्जा की वजह से आज वो अनशन के 6ठे दिन भी ठीक ठाक हैं और पूरे जोश में हैं। मुझे लगता है अनशन जो हमारे पूर्वजों ने हमको एक तरीका सिखाया था कि एक नॉन वायलेंट, एक अहिंसक तरीका है अपनी बात को किसी भी सत्ता के कानों तक पहुंचाने का, और सत्ता तक ये बात पहुंचे इसके लिए जरूरत है हमें आप सब लोगों की। आप सब लोग जब घर जाएं कल अपने अड़ोस पड़ोस के अंदर इसके बारे में बात कीजिएगा कि आप यहां पे आज आए थे, क्यों आए थे, आप लोगों की क्या डिमांड्स हैं, आप लोग क्या मांग रहे हैं केंद्र सरकार से, इसके बारे में बातचीत कीजिए मोहल्ले के अंदर, पड़ोस के अंदर। कल सुबह कई लोग वैन तक अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं, वहाँ पे कई और भी पेरेंट्स होते हैं और भी अभिभावक होते हैं, वहाँ पे बात कीजिएगा। शाम को आप लोग अगर पार्क में जाएंगे तो वहाँ पे अपनी महिला मित्रों से और साथियों से बात कीजिएगा कि आज आप यहाँ पे आए थे, यहाँ पे स्वाति मालीवाल क्या चीज़ मांग रही है, और ये डिस्कशन जब आप लोग करेंगे अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में, अपने पार्क में, आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे, तो धीरे धीरे ये जो डिस्कशन है ये सत्ता के कानों में पहुँचेगी। सत्ता कौन है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनके कानों तक पहुँचना काफ़ी कठिन काम है क्योंकि वो अभी दिल्ली, मुझे लगता है दिल्ली या देश में भी नहीं है, मुझे लगता है वो फिर से विदेश में है, तो हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उनके कानों तक अपनी महिला बहनों की इन 3 मांगों को पहुंचाने के लिए, और ये काम काफ़ी मुश्किल है। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे काम थोड़ा आसान भी है, मगर मुझे लगता है काम काफ़ी मुश्किल काम है। उनके कानों तक आपकी मांगे पहुंचे वो इसके बारे में सोचे, ये काफ़ी कठिन काम है, और ये काम सिर्फ यहाँ पे आना तो बहुत बड़ी बात है मैं मानता हूँ, मगर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैंने अपने विधायक साथियों से आज ये दरख्वास्त भी की है, कुछ और विधायकों का भी ये मानना था बियॉन्ड पार्टी लाइन, चाहे किसी भी पार्टी के वो विधायक हों, कि हमको ये जो आवाज़ यहाँ से उठ रही है इसको घर घर तक, हर मोहल्ले तक, हर इलाके के हर कोने तक इस बात को पहुँचाना है कि यहाँ पे 3 मांगों के साथ एक लड़की 6 दिन से भूखी है, और उसकी ये डिमांड है कि अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो वो भूखी ही रहेगी। ये बात मुझे लगता है कि हर गली मोहल्ले तक पहुंचाने की ज़रूरत है। कोशिश करेंगे कि इस तरीके की एक ऑडियो
रिकॉर्डिंग बनाई जाए। स्वाति जी से कहेंगे कि वो इस ऑडियो रिकॉर्ड को हमारे को दे और हम लोग उसको कोने कोने में, गली गली में, थ्री व्हीलर के माध्यम से, लाउडस्पीकर के माध्यम से और अन्य सभी माध्यमों से, जी हमारे मटिया महल से विधायक भाई आसिम मोहम्मद खान साहब भी आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है कि वो स्वाति जी को हौसला बढ़ाने, उनका हौसला बढ़ाने यहाँ पे आए हैं। तो साथियों मैं यही कह रहा था कि जैसे अभी हमारे कई विधायक मित्र यहाँ पे आ रहे हैं, कई सांसद आए हैं, लोकसभा के सांसद आए हैं, राज्यसभा के सांसद आए हैं, भाजपा के सांसद आए और पार्टियों के सांसद भी आ रहे हैं, तो हमको इस लड़ाई को मुझे लगता है कि गैर राजनीतिक लड़ाई बना के लड़ना होगा। आपके अगर भाजपा के दोस्त हो, कांग्रेस के दोस्त हो, उनको भी ये बात समझाइएगा कि ये जो लड़ाई है ये कोई आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की लड़ाई है, सारी महिलाओं की, सारी हमारी बहनों की लड़ाई है जिसको हम सब लोगों को मिलकर साथ रह के लड़ना है। कल से हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी एक ऑडियो बना के लाउड स्पीकरों के माध्यम से हम घर घर गली गली तक उनकी आवाज़ पहुंचाएंगे और एक पिटीशन बनाएंगे जिसके अंदर इनकी तीनों मांगों को लिखेंगे और घर घर जाके उसको साइन कराएंगे कि मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं या मैं इन मांगों का समर्थन करती हूं और करके उसको साइन कराएंगे, उसको इकट्ठा करेंगे, इकट्ठे करके उनको प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे और जब एक एक करके इस तरीके से लोगों की मांग साइन करके प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचेंगी तो उनके ऊपर भी असर होगा कि मेरी इतनी लाखों करोड़ों बहनें जो हैं मेरे से ये तीन छोटी छोटी चीज़ें मांग रहे हैं जिसको करने में प्रधानमंत्री जी का कुछ नहीं जाएगा, उनका कद इससे और बड़ा होगा, उनको लोग और अच्छा कहेंगे इसको कहने के बाद भी, इसको करने के बाद। तो मेरा ये मानना है कि आप सब लोग जब आप वापस जाएं इस बारे में चर्चा करें, हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इस तरीके के पिटीशन को हम मेट्रो स्टेशनों के बाहर, कॉलेजों के बाहर और इस तरीके की जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे लगा के इन पिटीशन्स को साइन कराएं।